हेलो दोस्तों, लर्निंग कैड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिज़ाइन को डोम देना सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक पिक्चर सेलेक्ट करना है जिसकी आपको डिज़ाइन बनानी है। तो हम पिक्चर फ्रेम से एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। कीबोर्ड पर पिक्चर फ्रेम टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। अब हम एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे। चलो मैं इस पिक्चर को सेलेक्ट कर लेता हूँ और क्लिक दबाकर, शिफ्ट दबाकर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, हमने पिक्चर तो ले लिया है, बट ये डिज़ाइन कितना बड़ा होगा, कितने साइज़ का होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस डिज़ाइन को हम 30 mm में बनाते हैं। तो साइज़ लेने के लिए हम सर्कल कमांड पे जाएंगे और लेफ़्ट क्लिक करेंगे और 0 एंटर करके सेंटर से सर्कल बनाएंगे और कीबोर्ड पर 30 टाइप करके एंटर कर देंगे। ये जो हमारा सर्कल है, ये 30 mm का है। अब इस पिक्चर को हम सेंटर में लाएंगे। सेंटर में लाने के लिए इस पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मूव कमांड पे जाएंगे, मूव कमांड को सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों, अब इस डिज़ाइन का जो सेंटर है, उस सेंटर को हमें बीच में लाना है। तो फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि इस डिज़ाइन का सेंटर ये वाला है, तो उसके क्लिक करेंगे और 0 एंटर कर देंगे तो ये लगभग सेंटर में आ गया है। अब ये डिज़ाइन हमारा थोड़ा छोटा है, तो इसे बड़ा करने के लिए हम स्केल कमांड का यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसे हमें स्केल करना है और स्केल कमांड पर लेफ्ट क्लिक कर देंगे और क्लिक करके स्केल करेंगे। दोस्तों, ये जो हमारा डिज़ाइन है, अब 30 mm सर्कल के अंदर फिट हो चुका है। दोस्तों, इस पूरे पिक्चर में से हमें ये वाला पार्ट चाहिए, बाकी का जो फालतू है इसे हम डिलीट कर देंगे। सिंपली हम सबको सेलेक्ट करेंगे और ट्रिम कमांड पर लेफ्ट क्लिक कर देंगे और जिसे हमें नहीं चाहिए उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी का जो फालतू का पिक्चर था वो डिलीट हो चुका है। चलिए दोस्तों, अब हम इस डिज़ाइन को बना लेते हैं। दोस्तों, ये जो एक शेप है, ये शेप ड्रॉप शेप है। ड्रॉप शेप बनाने का एक शॉर्टकट होता है, तो चलिए उस शॉर्टकट को भी सीख लेते हैं। सर्कल कमांड को सिलेक्ट करेंगे और 0 एंटर करके इसकी थिकनेस के हिसाब से एक सर्कल बना लेंगे और इस सर्कल को नीचे मूव करेंगे। क्लिक करके शिफ्ट दबा के नीचे मूव करेंगे। अब इस सर्कल का पॉइंट्स ऑन करेंगे। अब जो ऊपर वाला पॉइंट्स है, इसे हम मूव करेंगे। मूव कमांड पर सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट दबाकर ऊपर मूव कर देंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ड्रॉप शेप हमारा थोड़ा पतला टाइप का लग रहा है। तो इसको मोटा करने के लिए हम स्केल 1D यूज़ करेंगे। स्केल 1D यूज़ करने के लिए हम कीबोर्ड पर स्केल टाइप करेंगे, SCA। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि स्केल 1D आ चुका है। अब इस पर क्लिक करेंगे और 0 एंटर करेंगे, एंटर करके शिफ्ट दबाकर स्केल करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर शेप में आ चुका है, कितना बढ़िया शेप लग रहा है इसका। तो दोस्तों, हम इसे ऑफसेट करेंगे, कीबोर्ड पर 1.2 mm टाइट करेंगे। अब दोस्तों, हम इस कर्विंग को बनाएंगे। इस कर्विंग को बनाने के लिए हम आर्क कमांड का यूज़ करेंगे। अब इसे हम रिबिल्ड करेंगे। चार पॉइंट्स काफ़ी है, अब इसे हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे। दोस्तों, हम इसे भी ऑफसेट करेंगे। ये लाइन थोड़ी छोटी सी हो रही है, इसको हम सबसे पहले रिबिल्ड करेंगे 6 पॉइंट से और इसे हम थोड़ा लाइन को बढ़ा देंगे। इस लाइन को भी थोड़ा हम बढ़ा देते हैं। दोस्तों, अगर हम आर्क कमांड का यूज़ करेंगे, इस कर्विंग को बना लेंगे, इसको रिबिल्ड करेंगे 5 पॉइंट से और पॉइंट्स ऑन कमांड से थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब इसे हम ऑफसेट करेंगे 1 mm से। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि लाइन के ऊपर लाइन आ रही है, इसकी वजह से हमारी ये 2D थोड़ी ख़राब सी लग रही है। इसे हम ट्रिम कर देंगे, इसे हम सिलेक्ट करेंगे और ट्रिम कर देंगे। सिलेक्ट 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 सिलेक्ट, आप देख सकते हैं कि अब ये कितना सुंदर दिख रहा है। अब दोस्तों, ये चीज़ एज इट इज़ इस चीज़ में भी है, तो उसे हम मिरर कर देंगे। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसे हमें मिरर करना है और कीबोर्ड पर मिरर टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे और 0 एंटर करके
माउस को ऊपर ले जाएंगे शिफ्ट दबाकर और क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों हमारे बीच में ये रहता है, चलो इसे भी बना लेते हैं। इसे हम मिरर कर देते हैं, मिरर। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये लाइन थोड़ी इनकम्प्लीट सा है, इसको हम पूरा कर लेंगे। पॉइंट्स ऑन कमांड को ऑन, पॉइंट्स ऑन करके थोड़ी एडिट कर देंगे। इस लाइन को हम क्लोज कर देंगे। दोस्तों ये कॉलेट है, राउंड कॉलेट, इसको मेकअप करने के लिए हम एक सर्कल बना देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी जो 2D ड्राइंग है वो अब बन चुकी है। चलो अब इस डिज़ाइन को डोम करते हैं। दोस्तों ये जो पिक्चर है अब हमारी किसी काम की नहीं है, तो इस पिक्चर को हम हाइड कर देते हैं। दोस्तों डोम करने के लिए जो हमारा डिज़ाइन होता है उसे हमें ग्रुप करना होता है, तो हम डिज़ाइन को सिलेक्ट करेंगे। सर्कल हमारा डिज़ाइन का हिस्सा नहीं है, तो सर्कल को हम कंट्रोल दबाकर क्लिक करेंगे तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। अब हम डिज़ाइन को ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप करने के लिए हम यहाँ से भी ग्रुप कर सकते हैं या कीबोर्ड पर ग्रुप टाइप करके ग्रुप ही कर सकते हैं। अब हमारा डिज़ाइन ग्रुप हो चुका है। दोस्तों हम फ्रंट व्यू में जाएंगे। दोस्तों हम लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे और जीरो एंटर कर देंगे। अब हम फ्रंट व्यू में जाएंगे कि ये डोम कितना लंबा होगा, तो इसको हम 6 mm रखते हैं और शिफ्ट दबाकर क्लिक कर देते हैं। अब हमें आर कमांड लेना होगा और ALT दबाकर हमें इसे क्वाड को पकड़ना है। दोस्तों क्वाड पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट होता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब हम लाइन के टॉप एंड पर आर्क को सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम एक हाफ डोम बनाएंगे। अब हम टॉप व्यू पे जाएंगे। दोस्तों अब हम सरफेस पर क्लिक करेंगे। सरफेस पर क्लिक करने के बाद स्विफ्ट 1 रेल कमांड को सेलेक्ट करेंगे और सर्कल को सेलेक्ट करेंगे। कमांड को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दिखा रहा है सेलेक्ट रेल, हम रेल को सेलेक्ट करेंगे यानी सर्कल को। उसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है सेलेक्ट क्रॉस सेक्शन कर्व। अभी हमने जो कर्विंग बनाई है आर्क लेके, उस कर्विंग को सेलेक्ट करेंगे और सिंपली एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों हमारा जो डोम सरफेस है वो बन चुका है। अब हमें इस डिज़ाइन को इसके ऊपर लाना है। तो दोस्तों इसे लाने के लिए हमें एक कमांड का यूज़ करना होगा, उस कमांड का नाम है प्रोजेक्ट। कीबोर्ड पर हम प्रोजेक्ट टाइप करेंगे PRO। तो दोस्तों प्रोजेक्ट आ गया है, तो सिंपली हम एंटर कर देंगे। तो दोस्तों प्रोजेक्ट कमांड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दिखा रहा है सिलेक्ट कर्व्स एंड पॉइंट टू प्रोजेक्ट। इसका मतलब कर्व को सिलेक्ट करेंगे जिसे हमें प्रोजेक्ट करना है और एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है सेलेक्ट सरफेस पॉली सरफेस एंड मैशेज टू प्रोजेक्ट इनटू, यानी कि सेलेक्ट करो सरफेस को, पॉली सरफेस को जिसके ऊपर आपको प्रोजेक्ट करना है। तो हम सरफेस को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन सरफेस के ऊपर प्रोजेक्ट हो चुका है। अब हम इस सरफेस को हाइड कर देंगे। अब डिज़ाइन को देखेंगे। दोस्तों हमारी जो फालतू की चीज़ है उसे हम डिलीट कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो डिज़ाइन है वो डोम हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे ही सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में घंटी को भी दबा दें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।